आदाब अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ फरीद अहमद। आप देख रहे हैं कल ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। हम लोग गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो चैनल को आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से देखते रहिए, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जो बंदे नहीं देख रहे सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग अलग अलग तरह का वीडियो बनाते हैं। आज हमारे पास में होना 3 स्टूडेंट है जो कि पास आउट होकर जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है इन लोग का, कहाँ जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए भी, इन लोग के लिए खुशी की बात है। खास करके गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यही प्रयास रहता है, यही कोशिश रहता है कि जो भी बंदे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोग घर ना जा करके डायरेक्ट जॉब में जाएँ। तो इसके लिए हम लोग उन लोग को थोड़ा से कोशिश करते रहते हैं, लगातार उन लोग के पास लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इन लोग का फील्ड में जाकर वर्क करते रहते हैं कि बंदा अगर फील्ड में जाकर काम करने के लिए जाता है, कहीं जॉब में जाता है, तो वहाँ पर किसी तरह से वो टिक के काम करें, क्योंकि मेहनत लगता है कहीं भी काम करने के लिए, मेहनत लगता है। ट्रेनिंग एक अलग प्रोसेस होता है, एक जॉब एक अलग प्रोसेस होता है। जॉब करने के लिए किसी मालिक के अंदर में या कंपनी के अंदर में या सुपरवाइजर के अंदर में या मैनेजर के अंदर में काम करना पड़ता है, और ट्रेनिंग के आने की आप पैसा देते हैं तो ट्रेनिंग कैसी तरह से करते हैं, कभी आते कभी नहीं आते हैं, अपना मर्जी से सीखते हैं। लेकिन जब जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन देना पड़ता है, वहाँ पर वर्क करना पड़ता है, मालिक के सामने काम करना पड़ता है, तभी आप वहाँ पर टिक पाएंगे, तभी आप काम कर पाएंगे। इसमें अच्छा खासा वैकेंसी रहती है, हर जगह में इसका जॉब रहता है। ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में इसका जॉब रहता है। कहीं भी इरेक्शन डिसमेंटल का काम होता है, कहीं भी लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, चाहे वो एयरपोर्ट में ले लीजिए, चाहे वो शिपयार्ड में ले लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट में ले लीजिए, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी में ले लीजिए, चाहे ओवरब्रिज बनाने के लिए, फ्लाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो फ्लाईओवर बनाने के लिए ये सब मशीन का हमेशा जरूरत पड़ता है। तो मशीन आपका 20 टन से लेकर के करीब 500 टन, 800 टन, 1000 टन कैपेसिटी के में भी मशीन रहती है। लेकिन आप अगर चलाते हैं, अगर उतना तो नहीं चला पाएंगे, तो 100-200 टन अगर कैपेसिटी का मशीन चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाती है। आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपके पास में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, तो कम से कम आपको 50-60 हज़ार इंडिया में सैलरी मिल जाएगा 200-300 टन कैपेसिटी का चलाते हैं। तो सेम मशीन सेम फंक्शन रहता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी अगर एक तो लीवर पकड़ के, जॉयस्टिक जिसको बोलते हैं, लीवर पकड़ के खींच रहा है, अगर वो 8 साल का बच्चा भी खींच रहा है तो 100 टन मान लेकर उठ जाएगा। आप हट्टे कट्ठे हैं और पढ़े लिखे हैं, आप भी अगर वो जॉयस्टिक को खींच रहे हैं तो 100 टन माल उठेगा। यानी कि आपको थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है, और जितना एक्सपीरियंस रखेंगे इस फील्ड में उतना आपका अच्छा कामयाब करेंगे। मेरे पास में 2-3 स्टूडेंट हैं, जानेंगे। ये रमजान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, आप सभी को मुबारक हो, रमजान और मुबारक हो। और मुबारक महीना में हम लोग कुछ ऑफर निकाले हैं, ऑफर में कुछ मशीन जो है, एक मशीन में एक मशीन फ्री दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे जो स्टूडेंट हमको कमेंट्स करके बोलते हैं कि ये जिसका पेट भरे रहता है तो उसको देने का क्या मतलब है। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं पिछला एक वीडियो बना के डाला हूँ, जो बंदे का पेट भरा है बिल्कुल भी वो यहाँ नहीं आए, उसके आने का यहाँ जरूरत नहीं है। आज जिसका पेट खाली है, वाकई में कुछ कर गुजरने का अगर कोशिश कर लिया कि घर छोड़ रहा है, तो उसको उसके लिए यहाँ पर उसका स्वागत है। तो कहने का मतलब है कि आप पैसा का देखते हैं कि पैसा 2-3 हज़ार रुपया कम कर देते हैं, तो आज का डेट में 2-3 हज़ार रुपया कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि गरीब इंसान के लिए 2-3 हज़ार रुपया बहुत मायने रखता है, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी कीमती मशीन है, करोड़ों की मशीन है। इसमें डीजल, हाइड्रोलिक, ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल, बहुत सारा चीज़ इसमें खर्च होता है, बहुत सारा चीज़ इसमें लगता है, खर्चीला मशीन है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हैं, तो इस मशीन में सक्सेस हो जाएंगे और कामयाब बन जाएंगे। आप 2-3 हज़ार रुपये हम लोग कम नहीं करके हम लोग एक मशीन में एक मशीन फ्री दे सकते हैं। जैसे कि मोबाइल क्रेन सीख रहे हैं, तो मोबाइल क्रेन में ड्राइविंग सिस्टम, बहुत जगह में ड्राइविंग नहीं दिया जाता है, सिर्फ मोबाइल सिस्टम बता दिया जाता है, क्रेन सिस्टम, लोडिंग अनलोडिंग यही सब बता दिया जाता है। लेकिन हम लोग इसमें ड्राइविंग भी देते हैं, क्रेन में भी ड्राइविंग देते हैं अलग से, डंपर में भी ड्राइविंग देते हैं, क्रेन में भी आप लोग को ऑपरेटिंग कराते हैं। साथ ही साथ अभी ऑफर चल रहा है, एक मशीन में एक मशीन फ्री, यानी कि आप फोर्कलिफ्ट भी चला सकते हैं। अगर सपोज दैट आप क्रेन में अगर कहीं काम नहीं मिला तो फोर्कलिफ्ट भी जानते हैं, तो फोर्कलिफ्ट में भी जाकर के काम कर सकते हैं। तो यही खासियत है, अगर कुछ नहीं मिला तो डंपर ड्राइविंग या हेवी ड्राइविंग करके भी आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग लड़के लोग को मोटिवेट करते हैं कि एक मशीन में एक मशीन फ्री, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहेगा, नॉलेज रहेगा, हिम्मत रहेगा कि मैं ऑलराउंडर बन के यहाँ से निकलूँ। हम लोग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे गल्फ कंट्री में जो भी बंदे रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, और जिसका भी नॉलेज है या कोई भी रिलेशन में रहते हैं, तो उन लोग से पूछ लीजिए या जानकारी कर लीजिए, कंपनी बैठा के बिल्कुल भी पैसा नहीं देती है। कंपनी के पास में अगर क्रेन का काम नहीं हो तो आपको दूसरा काम कराएगी, 100% कराएगी। अगर दूसरा काम में आपको नॉलेज है तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा आप उठाएं,
कंपनी आपको बाय चॉइस रखेगी, कुछ अलग से भी पैसा इंसेंटिव भी देगी, कुछ अलग से ओवर टाइम भी आपको उससे करवाएगी। तो यही कारण है कि हम लोग ऑफर रखे हैं कि भाई एक मशीन में एक मशीन फ्री। तो यही कारण है कि हमारे पास में दो स्टूडेंट है। आप बताइए अनुपम कुमार, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपको बताइए। सर मेरा नाम अनुपम कुमार है, मैं देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑपरेटर का मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग का कार्य सीखने आया था। और मैं यहाँ से सीख कर सर्टिफिकेट लेकर हम अभी जॉब में जा रहे हैं। जॉब में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जॉब में? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के लिए जॉब में हो गई है। आप खुश हैं? जी सर खुश। तो कैसे ट्रेनिंग, कैसा हुआ ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। जैसे यहाँ पे बताया पहले गया था कि मतलब आधा घंटा के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उससे डबल मिला। आधा घंटा डंपर ड्राइविंग के लिए मिला और क्रेन भी मिला हमें, आधा घंटा मिला। हाँ, तो अच्छा। तो यहाँ बताया जाता है कि हम लोग बहुत सारा वीडियो में बनाए होंगे, हमारे व्यूअर्स लोग को बहुत सारा जगह में होता है क्या आने के, जो बोलते हैं वो करते कम है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो बोलते हैं उसे डबल करते हैं। राइट, सीधा डिफरेंट है सर, इसमें डबल होता है। और यहाँ पे हमारे जो दो घंटा थ्योरी मिलता है, आधा घंटा प्रैक्टिकल। आधा घंटा प्रैक्टिकल नहीं, कम से कम आप एक एक घंटा मशीन चलाए। राइट जी सर जी। हाँ, तो एक एक घंटा मशीन, मतलब कि आधा घंटा क्रेन आधा घंटा डंपर अगर चलाता तो एक एक घंटा मशीन मिलता, क्योंकि इसमें भी डीजल लगता है, इसमें भी मशीन का मेंटेनेंस है, इसमें भी डीजल लगता है, इसमें मशीन का मेंटेनेंस, यानी कि एक एक घंटा मशीन चलाए। हाथ फ्री है, कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, और ड्राइविंग भी किए क्रेन से, ड्राइविंग किए वाला क्रेन से। हाँ, क्रेन से हम ड्राइविंग भी किए, अच्छा लगा। और जैसे कि वहाँ पे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद से ऐसे जा भी जाएंगे, यहाँ पे सुविधा हमारे लिए रहेगा कि हम अच्छा से कर पाएंगे। अनुपम बताइए कहाँ तक पढ़े कहाँ तक है? पढ़ाई सर मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन कम्प्लीट, माशाल्लाह ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है। और अभी आप जा रहे हैं जॉब में जा रहे हैं, कैसे दिमाग में आया बहुत सारा इंस्टीट्यूट छोड़ करके आप गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए? सर चूंकि बात यह है कि विश्वसनीय, विश्वास की बात है सर। बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे हमने जांच पड़ताल करने के बाद से यहाँ पे सबसे बेहतर पाया कि यहाँ पे अच्छा से ट्रेनिंग भी होता है, जॉब भी रिप्लेसमेंट होता है। सर हम यहाँ पे आए और अच्छा लगा। बहुत सारा ट्रेड मेरे पास में है, सब कुछ छोड़ करके आप मोबाइल क्रेन क्यों चूज किए? क्योंकि सर जो है कि मोबाइल क्रेन जो है कि हार्ड वर्क नहीं है जितना देखने में लगता, माशाल्लाह। क्योंकि आदमी इसमें सीख जाएगा तो सक्सेस जरूर, एक छोटा बच्चा भी चला लेगा, बड़ा भी होगा तो वो भी चला लेगा, पढ़ा लिखे भी चला लेगा, अगर क्वालिफाइड नहीं है वो भी चला लेगा। तो इसी कारण से आप मोबाइल क्रेन में सीख कर क्या बेनिफिट क्या है इसको सीखे? सर बेनिफिट है कि सर बेनिफिट तो बहुत है सर। अब चूंकि इंडिया में भी काम कर सकते हैं, बाहर में भी कर सकते हैं, सैलरी पैकेज इसमें अच्छा रहता है, वर्ल्ड में कहीं भी इसका मतलब जॉब अप्लाई होता है। तो यानी कि आप सब इंस्टीट्यूट छोड़कर के गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चूज करने का क्या कारण रहा? कारण सर यही तो रहा आपका वर्षों का सर ये विश्वास, और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। चलिए माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूं। अभी आप सिकंदराबाद जा रहे हैं जॉब में, आज ही जा निकल रहे हैं माशाल्लाह। एक साथी है जो की राजकुमार नाम है। राज आप कहाँ से हो, क्या नाम है, मतलब कहाँ से आप आए हो? मेरा नाम राजकुमार, मैं बिहार के सिवान जिला के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मोबाइल क्रेन ऑपरेटर सीखने आया था। अच्छा अच्छा। जो सीख कर मैं जा रहा हूँ, मेरा जॉब लगा है सिकंदराबाद। आप साथ में दोनों जा रहे हैं? दोनों एक साथ में जा रहे हैं। आप लोग भी बोलते थे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स लोग बोलते थे कि सर एक एक बंदा क्यों जाता है, दो बंदा चार बंदा दस बंदा क्यों नहीं जाता? देखिए जॉब पड़ा हुआ नहीं है, आप जो सोच रहे हैं कि जॉब एकदम दुकान में बिक्री हो रहा है और वहां पैसा देके खरीद लेना, या जॉब गांच में लगा हुआ है और तोड़ के लड़के लोग को दे देना, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, लड़के लोग भी मेहनत करते हैं, साथ ही साथ हमारे स्टाफ लोग, मैं भी खुद मेहनत करता हूँ, लाइनअप करता हूँ, एक दो जगह फोन करना पड़ता है, कंसल्टेंसी ऑफिस को फोन करना पड़ता है, लाइनअप करके रखना पड़ता है। जब यहाँ लड़के सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं तो उन लोग से पूछा जाता है, रजामंदी लिया जाती है कि भाई आप जॉब में जाओगे या घर जाओगे, नहीं सर जॉब में जाएंगे, तब हम लोग उसका प्रोसेस में डालते हैं तो इन लोग का काम आ जाता है। तो माशाल्लाह आप पढ़ाई भी कहाँ तक किए? हम पढ़ाई इंटर तक किए हैं। इंटर तक जी, अभी साथ में जा रहे हैं जी, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। ट्रेनिंग कैसा हुआ गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में? ट्रेनिंग कैसा हुआ उसका? बहुत बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या क्या चलाने मिला था यहाँ पे? मोबाइल क्रेन चलाने को मिला, डंपर चलाने को मिला, ड्राइविंग मिला जी, इसका ड्राइविंग मिला। बहुत सारा जगह में होता है कि मोबाइल क्रेन का ड्राइविंग नहीं देते हैं जी, यहाँ पे ड्राइविंग भी मिलता है, यहाँ डंपर दो चार दिन देते हैं, डंपर क्रेन भी 8-10 दिन क्रेन चलाने देते हैं, 15-20 मिनट करके या 25 मिनट करके देते हैं, और उसके बाद आपको जाने दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या मिला? सबसे पहले तो क्रेन ऑपरेटिंग जी, आधा घंटा क्रेन जी, क्रेन ऑपरेटिंग में ये जो डंपर है, डंपर भी कम से कम 20 मिनट जी, डंपर भी मिला, आधा घंटा जी, और क्रेन में ड्राइविंग मिला, सबसे बड़ी बात क्रेन में ड्राइविंग करने को भी मिला। कल आपने ड्राइविंग किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, चला सकते हैं कहीं भी जाकर, आप चला सकते हैं। राज आपसे पूछना चाहेंगे, आपने देखा होगा जमशेदपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सब कुछ छोड़ के गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने का क्या मकसद रहा? देखिए हम यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर जितना भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी जाके पता किए थे, लेकिन यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। क्या एक कारण रहा जो ट्रेनिंग लेने का? यहाँ
ट्रेनिंग मशीन अपनी है जी, मशीन यहाँ पे अपनी है, ज्यादा मिलता जी, जॉब भी मिल जाता जी, जॉब यहाँ पे जॉब सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे जॉब मिल जॉब भी मिल जाता है। तो ये रास्ते जो कि ये भी जा रहे हैं सिकंदराबाद जा रहे हैं जॉब में, और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि ये ट्रेनिंग इसलिए आए कि इनको बहुत अच्छा जो सोच के आए थे वो चीज आपको मिल गया जी, मिल गया मिल गया जी, आपका सपना पूरा हुआ जी, सपना पूरा हो गया। आगे क्या प्लानिंग, मतलब वहाँ तो जॉब में जा रहे हैं फिर आगे लाइसेंस हो रहेगा जी, आगे प्लानिंग हम सीख करके हम जाएंगे गोल्फ में, गोल्फ में जा रहे हैं। तो अच्छा क्या एक चीज बताएंगे राज, आपका क्या यहाँ से जो जॉब में भेजा जा रहा है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्या आपको सर्विस चार्ज लगा कुछ पैसा? नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं लगा यहाँ पे। ट्रेनिंग फीस कितना लगा? 40,000 40,000 जी। उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहा? यहाँ वहाँ पे रहना खाना फ्री, मशीन सब अपनी है यहाँ पे। अनुपम आप बताइए कि आपका कितना फीस लगा? 40,000 उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिला? फैसिलिटी सर सब खाना रहना फ्री है, फ्री है, और ट्रेनिंग मिला, सर्टिफिकेट मिला, डंपर ड्राइविंग, क्रेन ड्राइविंग, क्रेन ऑपरेटिंग, ये सब सब चीज फ्री मिला। अभी जो जा रहे जॉब में सर्विस चार्ज लग रहा है? नहीं सर, कोई फ्री है, सर्विस चार्ज नहीं यहाँ पे। चलिए माशाल्लाह, मैं और एक बंदा यहाँ से जानना चाहूंगा, ये आकाश है। आकाश आप कहाँ से हो? सर मुरादाबाद से, मुरादाबाद, यूपी मुरादाबाद, यूपी मुरादाबाद जी। आपका भी ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया सर। कितना दिन लगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने? 45 डेज जी। और फीस कितना लगा आपका? 40,000 कुछ ज्यादा नहीं है फीस? नहीं कोई ज्यादा नहीं है सर, अभी लग रहा है कि ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में आया था तो ज्यादा लग रहा था, 40,000 रुपए कैसे दे पाएंगे हम तो गरीब है भाई, कैसे दे पाएंगे? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि 40,000 ज्यादा है या कम? नहीं, ट्रेड के हिसाब से कम है, ट्रेड के हिसाब से कम। क्या क्या मिला आपको? डंपर ड्राइविंग मिला, डंपर ड्राइविंग मिला, क्रेन ऑपरेटिंग मिली, क्रेन ड्राइविंग, क्रेन ड्राइविंग भी मिला था सर। सेटिस्फाई है? हाँ सेटिस्फाई भी। तो क्रेन ड्राइविंग मिला, क्रेन ऑपरेटिंग मिला, डंपर ड्राइविंग मिला, रिगर का भी काम मिला? हाँ रिगर का भी मिला, फ्री में मिला था, फ्री में। तो रिगर का भी काम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स लोग, क्या बोलोगे? यही बोलना चाहेंगे कि आप गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आए, और बहुत अच्छे ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है, रहना खाना सब फ्री है बिल्कुल, प्लस जॉब भी फ्री मिली है हमें यहाँ। अच्छा जॉब का सर्विस चार्ज लगा? नहीं कोई चार्ज लगा सर, जॉब का सर्विस चार्ज लगा? नहीं नहीं सर, फ्री है, फ्री। तो फ्री में ये सर्विस चार्ज फ्री में जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं जॉब में? ओडिशा जा रहे हैं। कौन जगह? बनई, बनई जा रहे हैं। बनई ओडिशा एक जगह है, वहाँ पर बनई जा रहे हैं। कितनी टन कैपेसिटी क्रेन मिल रही है आपको? 150 टन, 150 टन कैपेसिटी क्रेन। आप 50 टन क्रेन चलाने के बाद 150 टन कैपेसिटी चला पाओगे? हाँ चला लेंगे सर, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, चला लेंगे। चलो माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ आकाश और राज और अनुपम के लिए, दुआ करता हूँ माहे रमजान का मुबारक महीना चला, दुआ करता हूँ कि इन लोग जाके वहाँ टिक के काम करे और ढेरों सारा पैसा कमाए, अपना नाम और अपने गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने घर वाले का नाम भी रोशन करे, साथ ही साथ आपकी उड़ान हमारी पहचान, आप सक्सेस हो गए तो हमारी भी पहचान बनेगी। और हम लोग का तकिया कलाम है, एक हाथ में सर्टिफिकेट एक हाथ में जॉब, वो हमने साबित करके दिखाया कि एक हाथ में जॉब और एक हाथ में सर्टिफिकेट, इसी तरह से आप लोग को मिलते रहे। गर्ल ट्रेनिंग पर्स भी देते हैं, और पर्स के साथ साथ ये एक मेडल भी देते हैं, क्योंकि ये यादगार लम्हा रहेगा, क्योंकि हमारे पास में जो भी बंदे सीख करके जॉब में जाते हैं, तो इसी तरह से थैंक यू, इसी तरह से हम लोग एक पर्स देते हैं, ये पर्स है, साथ ही साथ मेडल भी देते हैं। ये मेडल यादगार रहेगा गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, यादगार रहेगा कि मैंने पढ़ा और पढ़ करके यहाँ से जॉब भी पाया, ये मेडल है। और ये आकाश के लिए है, आकाश के लिए भी एक मनी पर्स है जो कि, और एक मेडल भी है। तो ये होनहार स्टूडेंट जाए, खुशी खुशी जाए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स। अभी अगर चाहते हैं कि गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आकर ट्रेनिंग करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330, 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी है, ये व्हाट्सएप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकर ले लीजिए, हमारी फेसबुक का फेसबुक भी है, फेसबुक से भी आप देख करके उससे भी जानकारी ले सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम भी है गल्फ आईटीए के नाम से, इंस्टाग्राम भी है उसको भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखना मत भूलिए, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम पे है, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम पे यूट्यूब चैनल भी है, इस चैनल को देखते रहिए, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका इसी तरह से प्यार बना रहे। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।